अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएम मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन में भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की बात करूँ तो इसके बाद हमारे पास पोर्शन तो यही चल रहा है फाइंडिंग एक्सट्रीमा फ्रॉम ग्राफ्स, लेकिन इसके बाद हमारे पास जो है उसने हमें कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं और हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 के अंदर उसने हमें कुछ टेबल्स दिए हुए हैं। कहता है इन टेबल्स को देखें, इन टेबल्स को यूज करके जो है ना आप लोगों ने हमें ये बताना है कि वो टेबल जो है ना इनमें से किस ग्राफ के साथ मैच करता है, किस ग्राफ के साथ लिंक करता है, उस टेबल की खसूसियात जो है ना इनमें से किस ग्राफ के साथ जो है ना वो मैच करती है, सिर्फ हमने ये बताना है। लेकिन मैं आपको साथ साथ रीजन भी बताऊंगा कि उसकी बेसिकली रीजन क्या है। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल और इजी लेक्चर, आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो अभी तक, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इस तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर लेकर तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जब सबसे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, उसने हमें आपको एक्स की वैल्यूज दी हुई है, उसने आपको उसका फर्स्ट डेरिवेटिव दी हुई है एफ प्राइम ऑफ एक्स, ए पे 0, बी पे 0, सी पे हमारे पास उसने 5 दिया हुआ है। कहता है कि बताएं कि ये वाला जो टेबल है ये इनमें से किस ग्राफ के साथ मैच करता है। अब दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, जिस तरह के मैं पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं कि स्लोप बेसिकली जो है ना उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ही होता है, किसी भी जो है ना वो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली उसकी स्लोप होती है, ठीक है। एंड सेकंड जो है ना आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो है ना वो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होता है। क्रिटिकल पॉइंट भी मैंने आपको बताया कि बेसिकली जिस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो ग्राफ को, जहां पे एक टेंजेंट लाइन गुजरती है, जहां पे ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके गुजरे, वो होता है बेसिकली आपके पास क्रिटिकल पॉइंट, या फिर यहां पे उसकी स्लोप जीरो हो, जहां पे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो, वो होता है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ये चीजें थी। अब देखिए इसके अंदर बात करते हैं, कहता है जी ए जीरो है, ए जो है ना वो इस टेबल में देखें तो इस टेबल के अंदर यहां पे आ रहा है जी, यहां पे कॉर्नर बन रहा है, यहां पे जो है ना वो स्लोप की टाइप नहीं बन रही, जहां पे कॉर्नर होता है यहां पे भी कॉर्नर बन रहा है। तो कॉर्नर के ऊपर ये बात आपने ध्यान में रखें कि कॉर्नर के ऊपर इनफिनिट मैनी टेंजेंट लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। कॉर्नर के ऊपर जाना वो कोई टेंजेंट लाइन इधर से जा रही है, कोई इधर से जा रही है, कोई इधर से जा रही है, कोई इधर से जा रही है, इस तरह से हमारे पास इनफिनिट मैनी टेंजेंट लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। कॉर्नर के ऊपर उसकी स्लोप जीरो नहीं होती, कॉर्नर के ऊपर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो नहीं होता। इसका मतलब है कि इस ग्राफ के अंदर ये ए जीरो नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिट टेंजेंट लाइंस मौजूद है, तो यहाँ पे ए जीरो, इसकी स्लोप जीरो नहीं हो सकती, ये इसका मतलब इसका आंसर नहीं होगा। अब बी टेबल की बात कर लेते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन गौर से समझे, बाकी आप खुद कर लेंगे, मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ। बी वाले में देखें ए, अब यहाँ पे कॉर्नर नहीं है, यहाँ पे स्लोप है, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे स्लोप है तो इसको एक सिंगल पॉइंट पे टेंजेंट लाइन कट करके गुजर रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इस टेबल का जो ए पॉइंट है वो सेटिस्फाई है, ए जीरो, ए सेटिस्फाई हो गया। अब हम बी की बात करते हैं, बी भी जीरो होना चाहिए, तो बी बी इस पे जीरो है, ऑब्वियसली जीरो है, क्योंकि यहाँ पे भी एक टेंजेंट लाइन है, एक टेंजेंट लाइन, इसको जो है ना यहाँ पे स्लोप है ना, स्लोप बन रही है, और यहाँ पे इसको एक सिंगल पॉइंट पे टेंजेंट लाइन टच करके गुजर रही है, यानी कि इसका जो स्लोप है, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी बी उसने जीरो दिया हुआ है। सी फाइव, अब सी जो है वो सी के ऊपर यहाँ पे देखिए स्लोप नीचे को आ रही है, नीचे को आने का मतलब है कि माइनस में है, नेगेटिव में है, लेकिन यहां पे उसने आपको सी पॉइंट दिया 5, यानी कि पॉजिटिव में दिया, उसके साथ माइनस तो नहीं है ना। अगर ये इस तरह ऊपर को होता, अगर ये सी फाइव ऊपर को होता तो फिर हम कह सकते हैं जी बिल्कुल सेटिस्फाई करता है, क्योंकि सी के ऊपर पॉजिटिव है, स्लोप ऊपर को जा रही है, लेकिन यहां पर इस जो ना वो इसके अंदर देखें ये नीचे को आ रही है, यानी कि नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये ग्राफ भी हमारे पास ये सेटिस्फाई नहीं करता इस क्वेश्चन को। अब हम जो ना वो इस सी वाले को देख लेते हैं, अब सी वाले में देखें ए जीरो, तो ए जीरो ऑब्वियसली स्लोप बन रही है, यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन बन रही है, तो इस यहाँ पे जो है ना ऑब्वियसली जीरो ही होगा। बी जीरो, बी के ऊपर भी स्लोप है, तो यहाँ पे सिर्फ एक टेंजेंट लाइन एक ही पॉइंट पे टच कर गुजरेगी, तो यहाँ पे भी हमारी जो है ना वो इसको टेबल को यहाँ पे ये वाला ग्राफ सेटिस्फाई करता है। सी फाइव, अब देखिए ऊपर को जा रहा है, ऊपर को यानी कि पॉजिटिव है, इसकी स्लोप पॉजिटिव है, सी फाइव ऑब्वियसली ये वाला हमारे पास जो है ना वो मैच करता है, एग्जिस्ट करता है, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं जी आप लोग मैच विद सी, ओके जी। ये वाला हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हमारे पास जो सी वाला ग्राफ है उसके साथ मैच करता है। क्यों मैच करता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या खासियत, सारी सारी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। अब डी वाला क्यों मैच नहीं करता, क्योंकि डी वाले में यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, कॉर्नर के ऊपर मैंने बताया कि कभी भी स्लोप जीरो नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिट मैनी टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करती है। तो आगे देखिए यहाँ पे इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फिर बात ही खत्म होगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह से अब हम लोग बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की।
नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ए एक्स और एफ एफ एक्स, उसने एफ एफ एक्स उसने आपको दिया हुआ है, ए बी सी ए के ऊपर जीरो है, तो ए के ऊपर जीरो यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपके पास कॉर्नर है, ए यहाँ पे जीरो है ऑब्वियसली उसको चेक कर सकते हैं हम लोग, बी जीरो बी भी यहाँ पे जीरो है ठीक है, सी माइनस फाइव सी माइनस फाइव जो है इसकी स्लोप सी पॉइंट के ऊपर माइनस में नीचे को आ रही है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो है वो हमारे पास ग्राफ सेटिस्फाई करता है, कि उसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये वाला जो टेबल है किसके साथ मैच करता है, मैच करता है बी के साथ, बी वाला जो ग्राफ है इसके साथ बेसिक जो ना वो सारा का सारा मैच करता है, क्यों मैच करता है मैंने इसकी आपको रीजन बता चुका हूं ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन नंबर 14 की। उससे पहले अगर आपको कोई भी क्यूरी होती है कोई भी मसला तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कोशिश किया करेंगे मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग इंस्टाग्राम पर रब्ता करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर है डिटेल नोट्स चाहिए हैं डिटेल नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, कहते हैं जी ए बी सी ए के नॉट एग्जिस्ट बी जीरो सी माइनस टू दिया हुआ है, तो देख रहे हैं जी हमारे पास जो है ना वो बी वाला ग्राफ भी हो चुका है और हमारे पास सी वाला ग्राफ भी हो चुका है, अब हमारे पास सिर्फ ए वाला ग्राफ रह चुका है और हमारे पास सिर्फ डी वाला ग्राफ रह चुका है, अब हम ए वाला और डी वाला देख रहे हैं कि इसमें से कौन सा इसके साथ मैच करता है, तो ए ए नॉट एग्जिस्ट ठीक है जी। तो देखें जी अगर ए वाले ग्राफ की बात करें तो इसमें ऑब्वियसली कॉर्नर है तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता ठीक है जी, बी जीरो है तो बी यहाँ पे देखें जी बी जीरो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे भी कॉर्नर है, इन्फिनिट मैनी टेंजेंट लाइंस एग्जिस्ट करती हैं तो यहाँ पे इसकी स्लोप जीरो नहीं हो सकती। सी माइनस टू, अब देखिए ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हमने तो इसको जो है ना वो फाइनल कर दिया, अब हम चलते हैं डी की तरफ, ऑब्वियसली फिर हमारे पास डी ही बाकी रह चुका है, तो देखें डी मैच करता है इनमें से भी कोई मैच कर सकता है ये भी हम लोग देख सकते हैं। डी की पहले बात करते हैं, डी में देखिए ए नॉट एग्जिस्ट, तो ए नॉट एग्जिस्ट हमारे पास कॉर्नर आ गया यहाँ पे ए नॉट एग्जिस्ट ओके जी, नॉट डिफरेंशिएबल कह सकते हैं आप लोग। उसके बाद यदि बी हमारे पास जीरो है ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास एक टेंजेंट लाइन ए की पॉइंट पे टच करके गुजरेगी क्योंकि यहाँ पे स्लोप की फॉर्म है तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई करता है। सी माइनस टू ऑब्वियसली सी जो है ना वो स्लोप नीचे को आ रही है, नीचे की तरफ माइनस में होती है, माइनस टू आ गया तो ऑब्वियसली ये वाला हमारे पास जो ग्राफ है मैच कर रहा है इस क्वेश्चन नंबर 13 के साथ, तो मैच भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग डी, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना वो डी ग्राफ के साथ मैच कर रहा है, उसको क्यों कर रहा है मैंने आपको रीजन बता चुका हूं। अब हम लोगों के पास जो है ना वो आखिरी क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं उसने हमें क्या क्या वैल्यूज दी हुई है। डजंट एग्जिस्ट ए में भी कहता है जी डज नॉट एग्जिस्ट, बी वाले में भी कहता है नॉट एग्जिस्ट और सी वाले में क्या कहता है जी माइनस 1.7। ये जी बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इसकी बात करते हैं हमारे पास कौन सा ग्राफ रह चुका है, ए वाला ग्राफ रह चुका है तो ऑब्वियसली इसका भी आंसर ए ही होगा मेरे ख्याल से, ए नॉट एग्जिस्ट ए नॉट एग्जिस्ट ऑब्वियसली हम बात कर चुके हैं, बी नॉट एग्जिस्ट बी पे भी नॉट एग्जिस्ट हम लोग बात कर चुके हैं, सी माइनस 1.7 तो देखिए सी नीचे को आ रहा है, नीचे को आ रहा है मतलब कि इसकी स्लोप नेगेटिव में आएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी उसने सी आपको इसकी स्लोप जो है ना वो माइनस में दी हुई है तो ऑब्वियसली इसको जो है ना वो नीचे को आ रही है तो इसका मतलब 100% ये होगी क्वेश्चन नंबर 14 ग्राफ ए के साथ मैच करता है। यहाँ पर लिखें जी मैच विद ग्राफ ए, ये था हमारे पास आज का लेक्चर, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट करके मैंने आपको बताया था कि आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो अगर आप इस चैनल पे जो है ना वो मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता हूँ आपके लिए, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सलाह भी शेयर किया करें, अपना भी ख्याल रखें चैनल का भी ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।